है इधर, भाभी है एकदम बना के एकदम खिलाई है गर्मा गर्म। तो अब चल कहानी में एक ट्विस्ट आ गया है कि मैं जाने वाला था दिल्ली, पर क्या हुआ ना, बस काफी लेट हो गया तो मैं आधे रास्ते में उतर गया। और हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल वांडर ज्ञान में। तो सुबह का गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। तो फाइनली कल रात में पूरी रात नींद नहीं आई, टेंट में सोया, ठंड तो नहीं लगी की पर हाँ नींद नहीं आई, पूरी रात जगा रहा हूँ। और आज हिसार से फिर दिल्ली निकलना है, तो पहले यहाँ से चलते हैं बस स्टैंड की तरफ, वहाँ से बस लेंगे और फिर रेलवे स्टेशन जाएंगे। तो अभी मैं बस स्टैंड के लिए निकल ही रहा था कि रास्ते में मुझे तिब्बतन विंटर फेस्टिवल का कपड़ों का मेला लगा हुआ है, जहाँ पे तिब्बत के लोग आते हैं। तो पहले चलते हैं इस मेला में, घूमते हैं, फिर बस स्टैंड चलेंगे, बस लेंगे। फाइनली अभी हम हैं हिसार बस स्टैंड में और यहाँ से बस लेके जाना है जंक्शन पे। तो चलते हैं पहले हिसार बस स्टैंड से हिसार जंक्शन की ओर। तो भाई लासा मार्केट में तो कुछ लिए नहीं, हाँ बहुत सुंदर सुंदर कुड़िया थी तो देख लिए हैं और फिर आगे आ गए हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साथ। और यहाँ पे पीछे चिकन देख रहा था, बन रहा था काफी टेस्टी, और कल से नहीं खाया हूँ तो भूख बड़ी तेज लग रही थी। चलो यार पहले खा लेते हैं, यहाँ पे चिकन और रोटी है, सलाद है, दही है, तो खाते हैं यहाँ पे। कल दिन भर खाना नहीं खाया, आज खा रहा हूँ भाई। तो फाइनली खाना खा लिया है, यहाँ से अब निकलेंगे बाहर की तरफ। और अंकल के दुकान पे गर्मा गर्म एकदम मिल गया है, थैंक यू अंकल जी, एकदम गर्मा गर्म मिला है। इधर भाभी है एकदम, क्या बोला तूने, बना के एकदम खिलाई है गर्मा गर्म। तो अब चलते हैं स्टेशन की तरफ, क्योंकि ट्रेन तो लेट हो गई है, ट्रेन एक घंटा लेट दिखा रही है। तो पहले देखते हैं कि थोड़ा घूम लेते हैं अभी और मार्केट को, फिर जाएंगे। तो भाई जाना था दिल्ली जंक्शन और वहाँ पे ट्रेन लेना था, पर ट्रेन 4 घंटे लेट हो गई थी। तो अगर ट्रेन लेते तो सुबह पहुँचते दिल्ली। तो फिर मैंने आया बस स्टैंड और फिर यहाँ से बस लेके और फिर यहाँ से जा रहा हूँ दिल्ली। अब बस वाले ने कहा है 2-3 घंटे लगेंगे, देखो दिल्ली कब तक पहुँचते हैं। बस में बैठ गए भाई।
3 hours later. भाई पूरा थक गया एकदम, नींद बहुत जोर की आ रही है बस. अभी आधा घंटा और लगेगा बस में, फिर यहाँ उतर के फिर मेट्रो लेके रूम पे जाना है. सबसे पहले रूम पे जाकर मैं इस वीडियो को एंड करूँगा और फिर सोऊँगा. देखूँगा कुछ खाने का मन किया तो खाऊँगा, नहीं तो मैं सोऊँगा. सबसे पहले बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और एकदम नींद आ रहा है. अब रात हो गया है बाहर में, 7 बज गए अभी तो, 7 बज गए. पूरा थक गया हूँ भाई. बस ये बस वाला जल्दी जल्दी पहुँचा दे दिल्ली, फिर मैं रूम पे जाऊँगा. वीडियो में बने रहो अंत तक भाई, बहुत तब यहाँ तक देख लियो तो चलो लास्ट तक फिनिश करते हैं वीडियो को. भाई कहानी में एक ट्विस्ट आ गया है कि मैं जाने वाला था दिल्ली, पर क्या हुआ ना, बस काफ़ी लेट हो गया तो मैं आधे रास्ते में ही उतर गया. और आधे रास्ते में मेरे फूफा का घर पड़ता है, तो मैं सोचा मैं अपने रूम पे दिल्ली जाऊंगा तो मुझे 11 बज जाते क्योंकि जाम के कारण. तो मैं सोचा चलो यार आज फूफा के घर ही रुक जाते हैं. तो मैं उतर गया हूँ, फूफा का घर पहुँचने वाला हूँ इस साइड. तो चलते हैं और वहाँ का रिएक्शन देखते हैं कि कैसा है. तो चलते हैं. तो सामने फूफा का घर है, ये रहा. तो पहले गेट ठकठकाते हैं सरप्राइज देने के लिए. देखो कौन आ रहा है, देखते हैं पहले. ये रहा चेतन बाबू. क्यों सर हमारा है, शहर कहाँ है? तो ये फुआ है. इधर बच्चा पार्टी. इसको देखो ये अभी सो रही है. तो फाइनली हम आ गए हैं अभी फुआ घर, और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं. फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में. और पीछे का बैकग्राउंड अच्छा है ना, अच्छा है. तो फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट. मैं भी बहुत थक गया हूँ तो सोऊंगा खाना वाना खा के. तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, लव यू ऑल.